न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को एक बार फिर जोरदार स्वागत है। इस वक्त खबर आपको बता दें कि मुरैना जिले से आ रही रेत माफियों के द्वारा निर्दोष लोगों की मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। आइए एक बार पूरी खबर पर नजर डालते हैं और मौत का कारण जानते हैं। मुरैना जिले में रेत माफियों के द्वारा वह निर्दोष लोगों की मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज सुबह वह एएसपी के ऑफिस के सामने से रेत माफियों के द्वारा ही अवैध रेत के बड़े ट्रक ट्राली में से दो सगे भाइयों को वह कुचल दिया है, और जिसमें से एक भाई की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है और दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है, और जिसमें से वह जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और ये दोनों मजबूर वह सुबह से 6 बजे बाइक से अपने घर के लिए काम के लिए निकले थे, और वहीं पर वह सिविल लाइन थाना पुलिस ने अज्ञात ट्रक ट्राली सहित वह वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आज सुबह से वह 6 बजे दोनों भाई वह मनोज अगर और वह भरत अगर के लिए वह बाइक से मजदूरी करने के लिए घर से निकले थे, और जैसे ही वह नेशनल हाईवे पर वह एसपी ऑफिस के सामने से गुजर रहे थे कि इसी समय से पीछे से आ रहे अवैध रेत के भरी हुई ट्रैक्टर ट्राली ने वह टक्कर मार दिया, जिसमें से एक बाइक की मौके पर मौत हो गई है और वहीं दूसरा बाइक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में से वह भर्ती करवाया गया है। अपनी साइड जा रहे थे, उधर से वो उल्टी साइड में ट्रैक्टर वाला आ रहा था, हमने उस साइड को मुड़काया, उसने फिर उधर को किया, सीधा एक्सीडेंट हो गया। काय का ट्रैक्टर था? ट्रैक्टर था रेत का भरा हुआ। अरे कौन खत्म हो गया? हाँ कौन खत्म हो गया? मेरा छोटा भाई मनोज। और कर कहाँ जा रहे, कहाँ मजदूर करते? हम हीरा लाल के पुरा पे अपन गोडाउन पे काम करने के लिए जा रहे थे, दोनों भाई। ट्रैक्टर पकड़ पाए कि भाग गया था? ट्रैक्टर वाला भाग गया था। न्यूज़ देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस